जब बॉलीवुड को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी और क्या आमिर क्या एक्ट्रेस सब बॉयकॉट की आंधी में बह रहे थे, तभी एसआरके की पठान ने ऐसा बवाल मचाया कि लोगों को घर से थिएटर तक आना पड़ा। उनके आने वाली फिल्म जवान को लेकर भी लोग उतने ही एक्साइटेड थे, लेकिन कल फिल्म का एक सीन लीक होने की वजह से काफी बवाल मच गया। बताएंगे इससे फिल्म को फायदा होने वाला या नुकसान और क्या था उस लीक सीन में। देखो भाई, पठान की 1000 करोड़ की अर्निंग शायद एसआरके ने भी नहीं सोची होगी, लेकिन वो खुद के बनाए इस रिकॉर्ड को खुद से ही अपनी आने वाली फिल्म जवान से तोड़ना चाहते थे। लेकिन कल अचानक से उनकी फिल्म का एक सीन लीक हो गया जहां वो विलन को बेल्ट लाद जूते से जमकर लतिया रहे थे, जिसे देखकर लगा कि भाई ये फिल्म भी धमाका कर सकती है। लेकिन जब लीक सीन को लेकर बवाल मचा तो ट्विटर से लेकर सभी जगह पर इमीडिएटली इसे रिमूव करवा दिया गया। शाहरुख इस फिल्म में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुष्पा भाव को कैमियो के लिए बोला था, लेकिन उनके साफ इनकार करने के बाद उन्होंने विजय सेतुपति को ले लिया। वैसे साउथ के स्टार ने जब भी बॉलीवुड में काम किया है तो उनका क्या हश्र हुआ है वो आप अच्छे से जानते हो। कई लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म का फ्री प्रमोशन और हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया था, क्योंकि पठान के टाइम पर भी दीपिका के गेरुआ कपड़े को लेकर काफी बवाल हुआ था और बाद में उसे चेंज कर दिया गया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक जानबूझकर किया गया पब्लिसिटी स्टंट?